जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि आज मुझे गुरु जी महाराज ने एक मौका दिया सत्संग करने का, अपनी मेरी जर्नी जो गुरु जी महाराज के साथ स्टार्ट हुई उसको बताने के लिए। संगत जी, मैं पहले बताऊंगा कि मैं किस तरह का इंसान था, मेरे क्या बिलीफ थे। संगत जी, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं मुझे माफ कीजिएगा अगर मैं बीच में इंग्लिश में बोलना शुरू कर दूं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना ज्यादा हिंदी में बोल सकूं। तो संगत जी, जब मैं पहले था, मतलब मैं गुरु जी महाराज के पास जाने से पहले, हमारे घर में पूजा भी नहीं होती थी। पिताजी सिख थे, केशधारी सिख हैं। हमारे घर में ये कहा जाता था कि हाँ भगवान है, आप अच्छे कर्म करो, किसी का बुरा ना करो और दैट्स इट। और कोई रिचुअल, कोई पूजा पाठ, जैसे लोगों के घरों में नित्य नियम होता है, घरों में मंदिर होते हैं, हमारे घर में इस तरह का नहीं था और हमने इस तरह का सीखा नहीं बचपन से। इसी माइंडसेट में जिंदगी चली सारे टाइम। अराउंड मेरे एक कलीग थे भाटिया अंकल, वो अपना मेरे ऑफिस में आए, हम साथ में काम करते थे। वो रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया था, तो अपना लाइफ सर्टिफिकेट के लिए वो हर साल में एक बार आते थे। तो भाटिया अंकल आए हमारे पास में और उन्होंने बात के हम चाय शेयर किया। अंकल ने मतलब गुरुजी महाराज का सत्संग करना शुरू किया। मैंने पूरा सत्संग उनका सुना। उनका सत्संग भी मैं इसमें शेयर करूंगा कि उन्होंने मुझे क्या बताया। उन्होंने मुझे अपना सत्संग बताया कि रिटायरमेंट के बाद में उनको माउथ का कैंसर हुआ। गुरुजी महाराज की कृपा से माउथ का कैंसर सर्जरी हुई, उनका ठीक हुआ। पर सर्जरी के बाद में उनका जो माउथ था वो लॉक हो गया और उनके नेक पे बिकॉज ऑफ रेडिएशन एंड थेरेपी उनके ब्लैक मार्क बहुत ज्यादा आ गए थे। उनका मुंह खुलता नहीं था, वो पानी पीना भी उनके लिए बहुत मुश्किल था। तो गुरुजी महाराज ने एक दिन उनके ड्रीम में आकर के एक रॉड डाली उनके मुंह में और जोर से घुमा दी। अंकल बहुत जोर से चिल्ला के एकदम उठे और गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, उनका मुंह खुल गया उस दिन से और वो मतलब एक नॉर्मल तरीके से बात करना उन्होंने शुरू किया। उसके बाद में मंदिर जब वो पहुंचे तो बड़े खुश थे, गुरुजी महाराज का शुक्राना किया उन्होंने। तो लेकिन जो नेक के मार्क थे उनके लिए गुरुजी महाराज से अरदास की। तो गुरुजी महाराज ने शायद उन्हें कोकोनट वाटर और पीला शर्ट पहनने के बोला एंड उसके बाद में वो मार्क्स भी चले गए। तो भाटिया अंकल ने ये अपना मुझे सत्संग बहुत डिटेल में सुनाया। हम कोई एक घंटा तक सत्संग कर रहे थे। तो मेरा माइंडसेट ऐसा कि हम पूजा पाठ ही नहीं करते थे तो गुरु को मानना मतलब मेरे लिए इम्पॉसिबल था उस समय पर। भाटिया अंकल के सारा मैंने सुनने के बाद में मेरे मुंह से क्या रिएक्शन निकला, मैं माफी चाहता हूं आज भी गुरु जी महाराज से जो मैंने बोला। मेरे मुंह से निकला, भाटिया अंकल आप भी किन गुरुओं के चक्कर में पड़ गए। और ये नहीं जानता था कि उस सत्संग के बाद 6 महीने बाद मैं भी गुरुजी महाराज के शरण में आ जाऊंगा। गुरुजी महाराज के जैसे हमने सुना, जैसे संगत लोग कहते हैं कि गुरुजी महाराज को बुलाने का अपना एक तरीका है, वो अपने टाइम से बुलाते हैं और बार बार मैसेज भेज के आपको कंपेल करके बुलाते हैं। तो संगत जी, मतलब ये भाटिया अंकल ने सत्संग किया, मैं इस बात को भूल गया क्योंकि माइंड सेट तो था नहीं मेरा रिलीजियस या स्पिरिचुअल कुछ भी तरीके से। उन दिनों मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहा था, पब्लिक सेक्टर में, और मुझे अपनी जॉब चेंज करने के लिए मैं बहुत मतलब बहुत था चाह थी इच्छा थी बहुत ज्यादा। मैं चाहता था कि मेरा चेंज हो जाए, पैसे अच्छे मिल जाएंगे। फाइनेंशियली ठीक थे हम, मैं और मेरी वाइफ दोनों ही काम करते हैं, तो ऐसा कोई फाइनेंशियल क्रंच नहीं था, पर एक इच्छा थी कि अच्छा काम करें तो अच्छे पैसे मिलेंगे।
पर उसके लिए मैंने प्राइवेट सेक्टर में काफी, कभी यहाँ इंटरव्यू देना, कभी वहां इंटरव्यू देना, और हमेशा कभी ये हो कि आप भी आएगा तब आएगा, पर आ नहीं रहा था। और ये चलते हुए संगत जी अराउंड शायद 1.5 से 2 साल निकल गया होगा। और उस पोजीशन में लाने के लिए भी कि गुरुजी महाराज ने, जब मैं हाइंडसाइट में देखता हूं कि मुझे क्यों लगा कि हाँ मैं प्राइवेट सेक्टर में जा सकता हूं, गुरुजी महाराज ने ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, इंडस्ट्री में काफी नाम कराया और एक अंदर आत्मविश्वास दिया कि हाँ अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में जाऊंगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो संगत जी नौकरी नहीं लग रही थी तो बहुत परेशान था, और जब आदमी परेशान होता है तो मतलब जैसा लोग कहते हैं कि वो भगवान की तरफ भागता है। मेरे को किसी ने बोला कि आप हनुमान मंदिर जाओ, तो कभी कभी वहां भी जाना लगा, पर किसी ने बोला शनि महाराज के तेल चढ़ाओ या वहां जाओ, कभी कभी वो भी करता था। मतलब आदमी इतना डिस्परेट था मैं कि चेंज हो जाए, मुझे जो मैं चाहता हूं मुझे मिल जाए, और पर वो हो नहीं रहा था। गुरुजी महाराज ने देखा कि ये इतना सोल भटक रही है, और उन्होंने मेरे को, आई एम थैंकफुल कि उन्होंने मुझे एंकर दिया, अपने पास बुलाया। एक दिन हम यही शनि धाम जो रास्ते में पड़ता है गुरुजी महाराज के मंदिर के, तो मेहरौली के आगे ही जाके, तो वहां पर हम गए हुए थे वो तेल वेल चढ़ाने, जो रिचुअल करने होते हैं, मन नहीं लगता था लेकिन कभी भी। वहां पर हम गए तो वहां से करके जब हम निकल रहे थे तो मेरी आंटी ने एक मुझे उनके ऑफिस कलीग का एक सत्संग सुनाया। उन्होंने बताया कि उनके ऑफिस कलीग हैं, उनके हस्बैंड हैं, वो इस वाले शनि धाम से जो है छतरपुर में जो है वहां पर बहुत कनेक्टेड हैं, और वो दाती महाराज जो थे वहां पर उनको भी काफी अच्छे से जानते हैं। बात चल रही थी तो सडनली आंटी ने एक और बताया कि हाँ उनके जो हस्बैंड थे ना वो थोड़े से बड़े जिज्ञासु, थोड़े खोजी किस्म के हैं, तो एक बार वो उनको किसी ने बताया कि गुरुजी का कोई बताया, तो वो वहां पे मतलब एक्सप्लोर करने चले गए गुरुजी महाराज के वहां पर। तो वो गए तो उन अंकल का थॉट बता रहा हूँ कि वो किस सोच से गए वहां पर, उन्हें पता लगा तो उन्होंने कहा चलो चल के देख के आते हैं। तो वो दो कलीग थे ऑफिस कलीग, उस कूट पे गए, दिन का टाइम था तो उन्हें शायद आइडिया था कि शाम को मंदिर खुलता है, तो उन्होंने ये सोचा कि चलो हम जाके वहां जाके रिक्वेस्ट करेंगे, नॉक करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि हम बड़ी दूर से आए हैं, इतनी गर्मी में आए हैं, अब हमको जाने दीजिए, देखने दीजिए प्लीज। तो ये सोचते हुए, अपनी प्लानिंग करते हुए, वो गुरुजी के आश्रम बड़े मंदिर पहुंच गए। उन्होंने अभी नॉक ही किया था कि दरवाजा खुलता है, अंदर से माली अंकल आते हैं और उनको बोलते हैं कि आप पीएनबी से आए हैं। वो कहते हैं हाँ जी। तो कहते हैं गुरुजी महाराज ने कहा था कि दो लोग पीएनबी से आएंगे, उनको मंदिर दिखा दीजिएगा। उन्होंने मंदिर देखा। जब मेरी आंटी ने मेरे को ये सत्संग सुनाया अपने ऑफिस कलीग के हस्बैंड का, तो सडनली मुझे स्ट्राइक किया कि भाटिया अंकल ने भी तो मेरे साथ कुछ 6 महीने पहले एक सत्संग किया था, गुरुजी महाराज के बारे में बताया था। मैंने अपना सत्संग एक्सपीरियंस मैंने अपनी आंटी के साथ शेयर किया, तो सडनली मन में आया कि चलो चले हम भी क्या, गुरुजी महाराज ने कैसे प्रॉम्प्ट किया, कैसे लेके आए अपने पास में। और उस दिन हम भी दोपहर में वहां से बड़े मंदिर पहुंचे। हमने जब देखा तो हमें लगा कि हमने शिवलिंग नहीं देखा पहले, तो हमने देखा कि ये तो किसी की कोठी है और ये फार्म हाउस है, ये तो मंदिर नहीं है। हम वहां से वापस मुड़ के आने ही लगे तो आंटी की निगाह पड़ी शिवलिंग है, तो लगा मंदिर तो यही है। मतलब इतना सुंदर, इतना अच्छा लगा कि हम बिलीव नहीं कर पाए कि कोई मंदिर या इस तरह का भी हो सकता है। संभव छोटा गेट खुला हुआ था, हम लोग, कोई रोकने वाला नहीं था, उस दिनों संगत काफी कमी रहती थी, तो हम लोग अंदर चले गए। अंदर जब हम गए तो एक अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन, एक अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ मेरे को, मेरी आंटी दोनों को। मतलब एक लगा देख के बहुत सुंदर, इतना शांत, इतना अच्छा,
और एक सडनली मेरे को ही फीलिंग हुई, जो मेरे अपने ऊपर एक मेरा बर्डन था, मेरी एंग्जाइटी थी, मेरे इच्छाओं की मेरी जॉब बदल जाए, चेंज हो जाए, वो एक बर्डन बिल्कुल एकदम से लगा जैसे सर में से कोई बोझ सा उतर गया। एकदम लाइट फील कर रहा उस मैंने उस समय तक वहां पहुंचने के बाद में। और जैसे आदमी जाता है तो एकदम बहुत इच्छाओं से मांगता है, शायद हमने कुछ मांगा ही नहीं, गुरु जी महाराज से कुछ मांगा नहीं, मे बी इन एक्सपीरियंस या जो भी था, कुछ इच्छा भी प्रकट नहीं हुई ना मन में ना वैसे। और हम वहां रखे मंदिर पे बैठ गए। हमने जाने से पहले भाटिया अंकल को फोन कर दिया था कि अंकल हम मंदिर ऐसे से जा रहे हैं, अब भी आ जाइए। तो शाम को भाटिया अंकल भी हमें मिले वहां पर, और उन्होंने गुरु जी महाराज का और सत्संग किया, मंदिर के बारे में बताया, वहां पे जो एक मतलब एक डिसिप्लिन है मंदिर का वो हमें समझाया कि आपको समाधि पर मत्था टेकना है, फिर बड़े हॉल में मत्था टेकना गुरु जी को, हॉल में बैठ रही है। तब संगत जी संगत बहुत कम होती थी, हम लोग घंटों तक मतलब पूरे 2 घंटे का जब शब्द चलते हैं हम अंदर हॉल में ही बैठते थे। वहां पर मेरे को एक और मेरे ऑफिस के कलीग मिले, उन्होंने मुझे एक बात कही कि राजपाल अंकल आप आज यहां पर आ गए हैं तो ये शिवपुरी है, आपकी जिंदगी का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है मान लीजिए तो आपका ग्राफ ऊपर ही जाएगा, आज के बाद से नीचे नहीं जाएगा। और संगत जी बिलीव मी, गुरु जी महाराज की इतनी कृपा है कि मेरा ग्राफ लाइफ में ऊपर ही जा रहा है, नीचे की तरफ हमने कभी मुड़ के पीछे देखा ही नहीं। हमें वहां का जाके बहुत अच्छा एनवायरनमेंट लगा, शाम को शब्द चले, और एक जो एक मन में जो मुझे डर लगता था कि जिसकी वजह से मैं मंदिर जाना नॉर्मली अवॉइड करता था, वो था कि वहां के रिचुअल्स, पंडित आएगा, आरती करेगा, आपका मतलब कुछ आपसे चढ़ावा मांगेगा, आपको कुछ ये बोलेगा। बड़े मंदिर में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा मुझे, मतलब जो हमारे बिलीफ थे कि भगवान है उनसे उनसे कनेक्ट होइए, एंड यही कहा हमको वहां पर संगत ने कि गुरुजी महाराज हैं यहाँ पे गद्दी पे विराजमान होते हैं, आप गुरुजी महाराज से मन से बात कीजिए, वो आपको जवाब देंगे। बहुत सिंपल, बहुत अच्छा, कोई रिचुअल नहीं, कोई मतलब आपको ना कोई कहीं पे कोई दान पात्र में दान डालना है ना कुछ और करना है, आप आइए आराम से आनंद लीजिए और अपना लंगर करके घर चले जाइए। बहुत अच्छा लगा संगत जी, और इतना अच्छा लगा कि और एक ऐसा मैग्नेटिक पुल था गुरुजी महाराज का, मे बी मेरे कर्मा उतने खराब थे कि जो महाराज को ठीक करने के लिए उन्होंने मुझे मतलब हर रोज बुलाया, हम नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट डे, और वहां से आने का मन ही नहीं करता था। रात को 12-1 बजे जब संगत पूरा मंदिर बंद कर रहे होते थे तब उस समय धक्का देके जब निकालते थे तब निकल के आते थे, अगले दिन एनर्जी लेवल में कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन सुबह उठ के ऑफिस जाना एंड शाम को मतलब मंदिर में आ जाना, चलता रहा सिलसिला कोई 2-3 हफ्ते ऐसे। और संगत जी अब मटेरियल जो गुरुजी महाराज की वजह से जैसे हम चाहते हैं, हम चाहते कि हमारी लाइफ में इच्छाएं हैं पूरी हो जाए, मटेरियल जो चीजें हम मांगते हैं जो कि आज मुझे लगता है कि सब ट्रिवियल है गुरुजी महाराज के आगे, तो उस समय इच्छाएं तो थी मांगा फिर भी कुछ नहीं। तो गुरुजी महाराज ने मेरे को वहां पर मेरी एक कंपनी में जहां मेरा इंटरव्यू हुआ था वहां मेरे काफी क्लोज फ्रेंड काम करता था अच्छी पोजीशन में, उनका एक दिन मुझे फोन आता है कि उससे पहले सॉरी बिफोर दिस इवेंट मुझे रात को एक दिन गुरुजी महाराज ड्रीम में आते हैं और मुझसे पूछते हैं की चाहिदा, अ टिपिकल पंजाबी डायलेक्ट जो मैंने सुना था कि गुरुजी महाराज ऐसे बोलते हैं, सेम गुरुजी महाराज ने आके मुझको ड्रीम में बोला की चाहिदा। मैंने संगत जी अपने मुंह से जो भी ब्लर्टेड आउट कि मेरे को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो गुरुजी महाराज ने सुनने के बाद बोला श्योर तेनू आई चाहिदा। मेरे मुंह से निकला गुरुजी महाराज मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, जो भी मेरे लिए ठीक हो आप मुझे वो देना। Then he laughs at me, ले तेनो ए भी नहीं पता तेनो की चाहिएगा। Frankly संगत जी मुझे आज तक नहीं पता मुझे क्या चाहिए, हमें
हम सोचते हैं एक अच्छी लाइफ चाहिए, और गुरुजी महाराज ने उसके बाद लाइफ जो ट्रांसफॉर्म की मेरी, मतलब हम कभी पीछे मुड़के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब कमिंग बैक टू द सेम थिंग, मैं मंदिर में था, मुझे उस मेरे कलीग का फोन आया कि राजू तू अपना एक काम कर, सीवी भेज दे मेरे को, पर उम्मीद मत रखना क्योंकि तुमको एक बार रिजेक्ट कर चुके हैं तो तुम्हें लेंगे नहीं, पर फिर भी तू सीवी भेज दे। मैं घर आया रात को, सीवी भेज दिया उसको, एंड उसके कुछ दिन बाद, एक दो दिन के बाद मेरा इंटरव्यू कॉल आया। उसने बोला इंटरव्यू कॉल तो चल तेरे को आ गया है, पर फिर भी कोई होप मत करना कि होगा नहीं, तो डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। गया संगत जी, इंटरव्यू गया, इंटरव्यू दिया, और वो जिन लोगों ने इंटरव्यू लिया वो दो वही लोग थे जिन्होंने मुझे पहले इंटरव्यू लिया था और मेरे को रिजेक्ट करके लिया, सिलेक्ट नहीं किया था। फिर दोबारा इंटरव्यू हुआ, ठीक ठाक इंटरव्यू हुआ, और फिर वही कि दो चार दिन से लटका रहा मामला, एंड सडनली वन डे आई गॉट अ कॉल कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप ज्वाइन कर लीजिए। मतलब गुरुजी महाराज का मिराकल, जो लोग, दो लोग इंटरव्यू पहले लेकर रिजेक्ट करते हैं आपको साल डेढ़ साल पहले, वही लोग आपका दोबारा इंटरव्यू लेते हैं और सेलेक्ट करते हैं। ये करिश्मा, ये चमत्कार, ये मेहर केवल हमारे गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं, अदरवाइज ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। मेरा उसमें जो मेरा फाइनेंशियल का जो एक एंगल था कि प्राइवेट में नौकरी करनी है कि मेरा पैसे बढ़ जाएंगे, पैसे संगत जी बहुत बढ़े, बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंचाया, अच्छी पुलिस प्लेस पे लगाया। नॉट ओनली कि मेरे को पैसे से बेनिफिट बहुत हुआ, मेरे को एक स्टेटस भी बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छी पोजीशन पे उन्होंने मुझे वहां पे नौकरी दी। उसके बाद संगत जी मैं अपनी आंटी का बताता हूं। अब हमारी आंटी स्टेट बैंक में काम करती हैं, उस समय वो क्लरिकल पोजीशन में थी, बच्चे छोटे थे, तो शुरुआत से ही हम लोगों ने ऑफिसर बनने का आंटी का सोचा नहीं कि बच्चों को अटेंशन नहीं मिलेगा, उन्हें दिक्कत होगी। हमने सोचा कि मतलब वो हर साल एक आता था कि आपको प्रमोशन के लिए अपियर होना है, ट्रेनिंग में जाना है, आंटी लिख के रिफ्यूजल दे देती थी क्योंकि मेरे को नहीं जाना, प्रमोशन लेना एंड मैटर एंड्स। उस पर्टिकुलर ईयर में जब हमने गुरुजी के पास जाना शुरू किया तो उस साल भी सेम फैशन में एक तो आया कि जी आपको इंटरव्यू और ट्रेनिंग के लिए आइएगा, आपको प्रमोशन देना है। आंटी ने एज यूजुअल वो लिखा, रिपीट कर दिया कि नहीं मेरे प्रमोशन नहीं चाहिए, रिव्यूज दे दिया अपना। बैंक की हिस्ट्री में सिंह जी पहली बार हुआ है कि किसी ने रिफ्यूजल लिख के दिया और बैंक ने उसका रिफ्यूजल रिफ्यूज कर दिया और कहा जी आपका रिफ्यूजल रिफ्यूज करते हैं, आपको इंटरव्यू, आपको एग्जाम देने आना ही होगा। ये एग्जाम से कोई 5 या 6 दिन पहले की बात होगी। अब आंटी ने ना कोई तैयारी की, रिटर्न एग्जाम था, उसके बाद इंटरव्यू भी होना था, और हफ्ते भर में आपके मानिए कि आदमी कितनी तैयारी करके कितना पड़ेगा। तो आंटी ने गुरुजी का नाम लिया और जाकर के वहां एग्जाम दे दिया, एंड गुरुजी की मेहर की आंटी का रिटर्न भी क्लियर हो गया। उसके 2-4 दिन के बाद में उनका इंटरव्यू हुआ और गुरुजी महाराज की फिर मेहर की उन्होंने वो इंटरव्यू भी क्लियर करा के आंटी को ऑफिसर बना दिया। जो हम फाइनेंशियल जो मन में था कि पैसे बढ़े, और जिसके लिए आंटी को मतलब काफी अच्छा गेन हुआ, फाइनेंशियल गेन हुआ ऑफिसर बनने के बाद में, वो हम रिफ्यूज कर रहे थे। गुरुजी ने मतलब देखिए कि गुरुजी महाराज आपको कहां कहां से पकड़ के आपसे कैसे जो गलतियां आप रेगुलर करते जा रहे हैं वो ठीक कराते हैं। मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि मैंने दिया, मेरा रिफ्यूजल, आंटी का रिफ्यूजल रिफ्यूज कर दिया कि नहीं आपको, नहीं आपको मतलब आपको इंटरव्यू रिटर्न देना है, इंटरव्यू देना है और सिलेक्शन कराया गुरुजी महाराज ने। तो उसके बाद मेरी आंटी का भी फाइनेंशियली वी वर अगेन इन अ मच बेटर ऑफ पोजिशन देन। उसके बाद संगत जी मेरे बच्चे उस समय 12वीं क्लास में थे, बच्चे पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार तो नहीं थे, और हमारे को बहुत दिमाग में टेंशन थी बच्चों की भी कि इनका आगे कहाँ एडमिशन होगा, कहाँ जाएंगे। आंटी का ड्रीम था कि आईआईटी या डीसी में कहीं एडमिशन हो इंजीनियरिंग में, पर बच्चों का जो हालत थी पॉसिबल नहीं लग रहा था। AA EEE लिखा तो
बहुत अच्छा रैंक नहीं आया दोनों बच्चों का, मेरे जुड़वा बच्चे हैं गुरुजी महाराज की कृपा से, तो बच्चों का नहीं आया रैंक में बहुत अच्छा। फिर भी एक बेटे का गुरुजी महाराज ने थापर यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा दिया केमिकल इंजीनियरिंग में। हमारा को लगता था कि कंप्यूटर साइंस में बच्चा जाए चलो ठीक है, इंजीनियरिंग में चला गया वहां पर केमिकल इंजीनियरिंग में। वहां पर फिर कुछ इंटरनल स्लाइडिंग होता है वो हुआ, तो उनको मतलब उस इंस्ट्रूमेंटेशन मिल गया। और उस पर्टिकुलर साल में इन सब के बाद में थापर के पास खाली 3 वैकेंसी थी कंप्यूटर साइंस में, जिसको उन्होंने ऑल इंडिया एग्जाम लिखवाया बच्चों से, मेरे बेटे का उसमें एक सीट गुरुजी महाराज ने दिला दी। दूसरा बेटा का एडमिशन भी आईपी यूनिवर्सिटी के थ्रू भारतीय विद्यापीठ में हो गया और वो बच्चा वहां पे ठीक कर रहा था। तो बच्चों की पढ़ाई का गुरुजी महाराज ने केयर किया। उसके बाद लेकिन आंटी का जो एक ड्रीम था कि बेटा आईआईटी या डीसी, अब गुरुजी महाराज आपकी सब इच्छाएं पूरी करते हैं, तो बच्चों ने एक साल के बाद में या दो साल के बाद में नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम लिखाया ACCC, रैंक अच्छा नहीं आया तो जहां थे वही कंटिन्यू किया। उसके अगले साल भी आंटी के कहने पर कि नहीं आप दे दो ट्राई कर लो, तो दोनों बच्चों ने फिर से ACCC लिखा। और उस एग्जाम से पहले मेरे बेटे को ड्रीम आया गुरुजी महाराज का, उसने देखा कि वो एक एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है और एक तरफ गुरुजी महाराज बैठे हैं और एक तरफ उनकी आंटी बैठी है सामने, और गुरुजी महाराज उसको बहुत गुस्से में घूर रहे हैं। एग्जाम लिखा बच्चे ने, मेरे बेटे का बहुत अच्छा रैंक आया और उसको गुरुजी महाराज की कृपा से उन्होंने उसका एडमिशन दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में करा दिया DTU में। आंटी का ये ड्रीम भी पूरा हो गया, बच्चे ने वहां से अच्छे से इंजीनियरिंग पास आउट किया और आज की डेट में वो बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है मेरे दोनों बेटे। ये तो संगत जी हमारा मटेरियल वर्ल्ड, ये मतलब बच्चों के एडुकेशन का मैंने बताया। अब जैसे लोग कहते हैं कि गुरुजी महाराज मेडिकल का भी केयर करते हैं, मैं अपने बच्चे का एक मेडिकल का बताता हूं। मेडिकल के नॉट ओनली मैं अपने बच्चे का बताता हूं, मैं और भी संगत का बताता हूं जिसका हमने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देखा। मेरा बेटा बास्केटबॉल एक दिन खेल रहा था JNU में, तो खेलते खेलते शायद नीचे गिरा, उसके नी पर चोट लगी और तो आके बोला कि पापा बहुत दर्द हो रहा है, और मतलब तो मैंने भी कहा कि थोड़ा लगा दिया, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं बी ब्रेव, कोई दिक्कत नहीं है ठीक हो जाएगा। बच्चा कंप्लेंट करता रहा दर्द की 2-3 दिन तक। एक दिन लेकिन सुबह जब उठा तो उसका नी लॉक हो गया और वो अपनी टांग सीधी नहीं कर पा रहा था। नेचुरली मन में पैनिक हो गया, हम घबरा गए, इमीडिएटली बेटे को पास में स्पाइनल इंजरी सेंटर है बसंत कुंज में वहां लेके गए और वहां पर डॉक्टर ने देखा उसका, तो उसको बोला कि उसका एक्सरे या जो भी स्कैन वगैरह किया तो उसमें बोला कि इनके तो लिगामेंट रैप्चर हो गए हैं और लिगामेंट ब्लडलेस टिश्यूज होते हैं तो वो कभी अपने आप से हील नहीं होते हैं, उनको इसके लिए उन्होंने बोला कि सर्जरी करना पड़ेगा। अब संगत जी हमें लगा कि इतना यंग बच्चा है आज सर्जरी, और सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन क्या होगा हमें नहीं पता। हम इमीडिएटली दूसरे हॉस्पिटल पहुंच गए, हम प्राइमस गए, प्राइमस ने भी देखा स्कैन किया सब कुछ हुआ, उन्होंने भी कहा कि ये तो सर्जरी ही होगी। हम ऑर्थोनोवा गए, वहां भी सेम ओपिनियन की सर्जरी होगी। हमारी फैमिली में भी कोई सर्जन है, हमने उन्हें दिखाया, सबने ये कहा कि इनकी सर्जरी के बिना ये ठीक होगा नहीं। उसके बाद संगत जी मेरा तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है जब कराना है तो स्पाइनल इंजरी बेस्ट प्लेस है वहीं से जाके कराते हैं। तो हमने जिस डॉक्टर को देखा था उसको बात किया तो उसने कहा कि ठीक है, उसने डेट फिक्स कर दिया कि नेक्स्ट डे, और बोला कि एक दिन शाम को आ जाओ या सुबह आ जाओ तो नेक्स्ट डे मैं सर्जरी कर दूंगा उसका। उस सर्जरी से पहले मेरे बेटे को एक दिन फीवर आता है तो हमने उसी डॉक्टर को बोला कि फीवर आया हुआ बेटे को, तो उसने बोला कि कोई नहीं जब पैरासिटामोल दे दीजिए।
तो हमने पैरासिटामोल दिया, बच्चे का फीवर चला गया। हम उस डॉक्टर के पास में गए, उसने जो प्री इंस्पेक्शन करा था सर्जरी से पहले, उसने देखा टांग थोड़ा फोर्स से खोला और बंद किया, एक दो बार देख के कहता कि जी आप एक काम करो, सर्जरी नहीं करते हैं इसकी, हम थोड़ा दिन ऑब्जर्व करते हैं कि अगर ये ठीक है तो चलने देते हैं इसकी। एंड संगत जी, मतलब आज की डेट में भी मेरे पास 5 हॉस्पिटल के रिटर्न ओपिनियन है कि सर्जरी मस्ट है। उस केस से इम्पॉसिबल केस के अंदर गुरु जी महाराज ने मेरे बेटे की सर्जरी खत्म नहीं होने दी और आज तक मेरा बेटा उसी मतलब बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल भागता है, दौड़ता है, एक्सरसाइज करता है, सब कुछ करता है, उसका रूटीन लाइफ का बिल्कुल नॉर्मल है। ये है हमारे गुरु जी महाराज के आपके ऊपर। और संगत जी, उस समय पर मैंने गुरुजी महाराज के दिमाग में भी नहीं आया कि मैं गुरुजी महाराज से प्रे करूं कि महाराज मुझे ये दे दो, मेरे बेटे को ठीक कर दो, मेरे आया ही नहीं। नॉर्मल चोट लगी, डॉक्टर के पास में गए, ये तो जब मिरेकल हुआ तब रिलाइज किया तो गुरुजी महाराज ने क्या कर दिया तुम्हारे साथ में, हम चाहते हैं सर्जरी ना हो तो नहीं हुई, नो प्रॉब्लम, आप वैसे ठीक कर दिया। और संजय जी, आप एक और बताता हूं मेडिकल का, दो बड़े क्लोज इंस्टेंस हुए हमारे साथ में। मेरी आंटी के एक ऑफिस कलीग थी जिनके जब हम जाने लगे तो उन्होंने बात हुई ऑफिस में गुरुजी महाराज के बारे में, तो उन्होंने गुरुजी महाराज को बताया तो वो जाने लगे। उनकी एक भाभी थी जिनको थ्रोट पे कैंसर था और वो लोग का काफी बड़ा मेडिकल का ही काम है, मतलब भगीरथ प्लेस में, और बिकॉज ऑफ द स्केल दे न्यू, वो दुनिया के अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को जानते हैं, तो उन्होंने यूके दिखा रखा था, यूएसए दिखा रखा था, जहां जहां पे उनको बेस्ट लगा कि मेडिकल दिखा सकते हैं, सबने कहा कि नहीं ये थ्रोट कैंसर बहुत एडवांस स्टेज पर है, इसका कोई क्योर नहीं है, और उन आंटी को टाइम दे दे कि आपका मतलब 2-4-6 महीने तक ही आप जी पाएंगे करके। आदमी जब इतना डेस्परेट होता है तो, और जब उन्हें कोई भी रास्ता दिखता है, तो उन्हें जब पता लगा गुरुजी महाराज के बारे में मेरी आंटी की कलीग के थ्रू, तो वो लोग मंदिर आए और वो हमारे साथ ही आए करके, हम लोग ने देखा और मैंने खुद देखा संगति कि उनके गले पे बहुत बड़ा लंप था जिसको वो चुन्नी से कवर करके आई थी। आए, उन्होंने मत्था टेका और लंगर प्रसाद किया, लंगर प्रसाद मेडिसिन जो है गुरुजी महाराज की, वो संगत से जो आंटी से जिनको कैंसर था, वो संगत से लंगर खाया नहीं जाता था और उनके जो लंप था उसमें से ऊजिंग होती थी, तो उन्हें 4 की जब थाली में खाते थे तो उन्हें लगता था कि संगत खाएगी नहीं उनके साथ में, पर गुरु वो नल्लो संगत ने उनको एनकरेज किया कि नहीं आप भी, आपकी मेडिसिन है आप उसको खाइएगा। एक बाइट खाती थी शुरू में, 2-4 बाइट खाना शुरू हुआ, धीरे धीरे करके उनको ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर उन्होंने पूरा लंगर खाना शुरू कर लिया। और संगत जी, हमारी आंखों के सामने का है ये संगत, सत्संग किसी और का है आंटी का, पर हमने अपने आंख के सामने देखा उनका वो लंप जो इतना बड़ा दिखता था, वो 1 साल के बाद में धीरे धीरे करके गायब हो गया, उनका कैंसर, थ्रोट कैंसर बिल्कुल खत्म हो गया, ये मैंने खुद अपनी आंख से देखा है। और वो आंटी इतनी खुद, जब वो डॉक्टर के पास में गई तो डॉक्टर हैरान कि आपका हुआ क्या, आपने क्या किया, ये कैसे ठीक हो, उन्हें भी नहीं पता, पर आंटी वो बहुत खुश हुई, बहुत खुश है, आज की डेट में वो जुड़े हुए हैं गुरु जी महाराज से। एक और एक्सपीरियंस बताता हूं संगत जी, एक दिन हम गए बड़े मंदिर में, तो नॉर्मली मैं थोड़ा तेज चलने की आदत रखता हूँ, तो मेरे आगे कांटी थी, तो हम जैसे गणेश जी के वहां पे मत्था टेका और समाधि में जब एंटर कर रहे थे, वो आंटी मेरे आगे थी, तो आंटी थोड़ा सा लिंप कर रही थी और थोड़ा स्लो स्लो चल रही थी, तो मैं उनके पीछे फॉलो कर रहा था, थोड़ा सा मुझे लगा भी इरिटेशन हुआ कि मैं क्रॉस करके निकलूं, पर जाते हुए पूरा पूरा उसके साथ पीछे पीछे चला, आंटी ने आगे गई, और जब मंदिर से आगे लेते वक्त भी समा वो आंटी मेरे आ गई थी, वो तब भी लिंप करके चल रही थी धीरे धीरे करके, मेरे पीछे मेरे आंटी, मेरे बच्चे थे और आंटी भी थे। मैं उन आंटी को क्रॉस करके आगे निकल गया, तभी मैं थोड़ी बार देखा कि जब मैं बाहर खड़ा था गणेश जी के पास में, तो देखा कि एक थोड़ा सा एक झुंड सा बना हुआ है और एकदम से कुछ मतलब कमोशन सा हो रहा है वहां पर, तो मैं गया एकदम से देखा, तो देखा कि वो आंटी जो मेरे आगे थी
वो मतलब सडनली वो रो रही थी एकदम से। तो लोगों ने पूछा क्या हुआ करके, मैंने भी पूछा कि क्या हुआ आंटी। तो वो आंटी कहती कि मैं समाधि में मैं गिर गई, और गिर के जब वो उठाया लोगों ने, वो उठी अपने आप को, उठ के वो मतलब बाहर जब आई तो सडनली उन्होंने रियलाइज किया कि जो उनका लिंप था वो लिंप एकदम से खत्म हो गया, वो नॉर्मल वॉक कर रही थी, और उसी खुशी में वो आंटी उस समय वहां पर रो रही थी। ये तो संगत जी हमारे मटेरियल एक्सपीरियंसेस रहे करके जिंदगी में आज की डेट में, अब गुरुजी महाराज हमारी लाइफ को इतना संभाल के चला रहे हैं, सब चीजें प्रॉब्लम्स आती हैं कभी कभार, पर सब चीजें आराम से छू के निकल जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं महसूस होती है हमारे को। और बेस्ट पार्ट ऑफ गुरुजी महाराज का जो मुझे लगा कि मेरा जर्नी विद गुरु जी, जो मुझे बेस्ट लगा कि मेरे साथ बेस्ट क्या हुआ, मेटेरियल चीजें हैं आज है नहीं है सब ठीक है, एक गुरु जी महाराज ने एक हमारी सोच ही बदल दी। जो एक ग्रीड थी मन में, इच्छा कि हमें ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, सब इच्छाएं गुरु जी महाराज ने बिल्कुल तृप्त कर दिया। आज की डेट में लाइफ चल रही है, पर एक चीजों के पीछे भागना, एक जो एक मैडनेस होती है जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं, वो उन्होंने खत्म कर दिया। लाइफ स्मूथ है, अच्छे तरीके से चल रही है, कोई तकलीफ परेशानी इतनी हावी नहीं होती है कि हम लोग को दिक्कत हो। और संगत जी हमको तो बेस्ट पार्ट ये लगा मेरे को कि हमारे को इतनी प्यारी प्यारी संगत से जोड़ा, इतनी ब्यूटीफुल सोल से जोड़ा। गुरुजी महाराज हर संगत को कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स में कनेक्ट करते हैं। अब वो गुरुजी की माला में वो मोती पुरोते हैं, उनका वो मोती साथ में रहते हैं, कब तक रहते हैं गुरुजी महाराज को ही पता है। हम पहले भाटी आंटी के घर पे जो हमको लेके गए थे गुरुजी महाराज के पास में, जिनका मैं आज तक थैंकफुल हूं कि थैंक यू गुरु भाटे अंकल कि आप हमें वहां लेके गए। उनके घर सत्संग में हम सुबह जाते थे, बहुत आनंद आता था, समहाउ वो डिस्कनेक्ट हो गया। एक और हमारा ग्रुप था जिसमें हम एवरी हर महीने के एक मंडे को सत्संग करते थे, उसमें ग्रुप था, बहुत आनंद आता था, वो गुरुजी महाराज ने वो बंद करा दिया। तो संगत जी गुरु जी महाराज कब किस सोल से आपको कब कनेक्ट करते हैं, क्यों कनेक्ट करते हैं, वो आदमी आपकी लाइफ में क्यों आता है, क्या पर्पस है, ये गुरु जी महाराज जानते हैं। लेकिन आप इतनी अच्छी सोल से मिलने के बाद में आपका एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो मुझे लगा कि हमारी लाइफ, हमारे बच्चे सब चीजों के साथ में बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। अब संगत जी जो कहते हैं, हमने ये सुना था संगत से कि गुरुजी महाराज के पास में कोई भी एक आदमी चला जाए फैमिली का, तो गुरुजी महाराज पूरी फैमिली को ही ब्लेस कर देते हैं। मैं अब आपको यही वाला एक्सपीरियंस अपना शेयर करता हूं। मेरी सिस्टर की डॉटर, छोटी डॉटर का समहाउ डाइवोर्स हो गया, बहुत परेशान थी, रीमैरिज का सोच रहे थे लेकिन संभव हो नहीं रहा था। मैंने दीदी को अपनी बोला कि दीदी चलो एक दिन मंदिर चलते हैं तो गुरुजी महाराज कृपा करेंगे। वो मेरे कहने पर बात मान के मेरी भांजी के साथ में हम बड़े मंदिर आए, हमने लंगर किया, बैठे आराम से, एंड मैंने वही जैसे मन में अरदास की कि गुरुजी महाराज कृपा करो बच्चे के ऊपर। एंड संगत यू वोंट बिलीव, उस डॉटर का जिसका रिलेशन, जिसके शादी के लिए वो पिछले डिवोर्स के 6 मतलब आई थिंक साल डेढ़ साल से वो मतलब स्ट्रगल कर रहे थे, उनका विद इन अ वीक दे गेट अ मैच, एंड सच ए ब्यूटिफुल मैच कि, और वो बिटी आज की डेट में बहुत खुश है। तो ये है गुरु जी महाराज की, मेरे नॉट ओनली हमारा कल्याण किया, हमारे रिलेशन में। एक और बताता हूं संगत जी आपको, मैं मेरे एक फैमिली में दामाद है, मेरी भांजी के ही मतलब हस्बैंड है, उनका साउथ अफ्रीका में कुछ काम है। तो वो एक दिन
कि वो मतलब वहां पे जो जू होते हैं साउथ अफ्रीका में वो बहुत ओपन काइंड होते हैं, तो ये लोग जू में गए वहां पर, तो एक इनके साथ में लड़का था, यंग लड़के हैं सारे, तो थोड़ा वो पास में शेर के पास बैठ के सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, तो उस शेर ने समहाउ एक पंजा मारा और उस आदमी को उसने मतलब पकड़ लिया। तो ये लोग ना घबरा गए एकदम से, अब शेर के से निकालना उस आदमी को इम्पॉसिबल, जो भी कोशिश कर सकते थे टॉर्च मार रहे हैं या हॉर्न मार रहे हैं जैसे शेर हट जाए, शेर ने उसके ऊपर दांत भी कड़ा दिया था और पंजा भी उसने मतलब उसके बॉडी में घुसा दिया था। अब ये लोग मिलके खींचने की कोशिश की पर वो नहीं खींच पा रहे थे, शेर की पकड़ से कौन निकाल सकता है। समहाउ मेरे दामाद ने बताया कि मामा जी मुझे ये लगा कि उस समय गुरुजी महाराज आए और उन्होंने मेरे साथ पकड़ के उसको ऐसा खींचा कि शेर के नाखून टूट गए उसकी बॉडी के अंदर, उसका दांत टूट गया उसकी बॉडी के अंदर। वो लड़के को उन्होंने वहां से निकाला शेर के मुंह से और उसको 60-70 स्टिचेस लगे और वो लड़का सेफ एंड साउंड है। पर ये देखिए कि मतलब और उन दामाद के साथ में हमने कभी गुरुजी महाराज का जिक्र ही नहीं किया, कभी हमसे पहले कभी जिक्र ही नहीं हुआ था, बस पता था कि हाँ हमारे घर में गुरुजी महाराज के स्वरूप थे, वो आते थे, वो देखते थे, हमने कभी भी उनका सत्संग नहीं किया, कभी बताया नहीं गुरुजी महाराज के बारे में। तब भी देखिए गुरुजी महाराज की कृपा के उस एक्सट्रीम कहां तक कृपा करते हैं महाराज, बहुत अच्छा टाइम है गुरुजी महाराज के साथ आके। गुरुजी महाराज से बस हमारी यही प्रार्थना है कि महाराज अपने चरण में ही रखना हमारे को, हमारे साथ पूरा टाइम हमको अपने चरण में रखे, हमारे साथ रहना, हमारा अपना हाथ बनाए रखना, हमारी लाइफ ऐसे ही चलाए रखना। जय गुरुजी संगत, थैंक यू जय गुरुजी।